Good evening everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. और मैं यहाँ जा रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ. एक्चुअली टूडे आई एम सो मच एक्साइटेड. क्यों एक्साइटेड है, लाइट्स ऑन कर लो. क्यों एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल है शेखर जी का बर्थडे. तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्लान किया जाए. एक्चुअली कुछ प्लान किया जाए, क्या प्लान करूंगी वो अभी तक मुझे नहीं पता. फिलहाल अभी शाम को मैं निकलूंगी केक लाने, मैं को लेके जाऊंगी और उनको नहीं पता है. देखे मतलब क्या करती हूँ. मन में तो है कि मैं जाऊं केक लाने, और क्योंकि कल उनका बर्थडे है तो आज ही रात को सोचे हैं कि 12 बजे केक कटिंग करेंगे. तो प्लान तो है ऑल सेट, लेट्स सी क्या होता है. फिलहाल तो मैं चाय बनाने वाली हूँ यहाँ पे हम लोगों के लिए. चाय बना लूँ और उसके बाद मैं निकलती हूँ. बहुत सारा कुछ शॉपिंग करना है, क्योंकि मुझे आज रात का डिनर में कुछ अच्छा बनाना है. क्यों अच्छा बनाना है मैं आपको बोल दूँ, क्योंकि कल फिर हम लोग रेस्टोरेंट जाने का प्लान कर रहे हैं. मैं प्लान कर रही हूँ एक्चुअली रेस्टोरेंट जाने का, घर में नहीं रहूंगी. थोड़ा अच्छा से बर्थडे मनाना है, क्योंकि उनका फेवरेट जगह जाने का प्लान है. एक्चुअली उनका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है जहाँ पे है वहां जाने का प्लान है. तो फिलहाल कल तो कुछ बनेगा नहीं अच्छा, कुछ रेसिपी मैं शेयर कर नहीं पाऊंगी. तो फिलहाल आज मैं किचन में रॉक करने वाली हूँ, कुछ बनाने वाली हूँ धमाकेदार. तो फिलहाल मैं निकलती हूँ चाय बनाती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ केक के लिए. और केक मिल जाएगा उसके बाद देखती हूँ क्या लेके आती हूँ और क्या बनाती हूँ. मैं पूरा आप लोगों के साथ तो शेयर करूंगी, ऑब्वियसली करूंगी. हस्बैंड का बर्थडे है, कुछ स्पेशल तो होना ही मांगता है. तो चलिए फिलहाल चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. अभी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, केक ऑर्डर की हूँ और उसके साथ साथ ही मैं कुछ ऑर्डर की हूँ जो घर आने से मैं बनाऊंगी और रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. फिलहाल मैंने नेल पेंट चेंज कर लिया है और क्या, आने दीजिए केक, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. गाइस, केक हमारा आ चुका है, तो बस इसको छुपते छुपाते हुए हम ना फ्रिज के अंदर रख देंगे इसको, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऑलरेडी केक हमारा आ चुका है. और इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मुझे डिनर का भी प्रिपरेशन करना है और डिनर में एक बहुत अच्छा रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. एक्चुअली मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन, पंजाबी स्टाइल चिकन करी बना रही हूँ. मैं चिकन को हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट से सबसे पहले मैरिनेट कर लूँगी. उसके साथ डालूँगी नमक और उसके साथ 2 टेबलस्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बेसिकली मैं डालूँगी और इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी. कम से कम आधा घंटा, मतलब एटलीस्ट 15 to 30 minutes आपको इसको रखना है मैरिनेट करके. तो मेरा 30 minutes हो चुका है और मैं यहाँ पे एक पैन ले चुकी हूँ, उसमें ली हूँ 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल. और ऑयल गर्म होती मैंने उसमें डाल दिया बे लीव्स और उसके साथ रेड चिली, सूखी हुई लाल मिर्च और लौंग और उसके साथ थोड़ी सी छोटी इलायची. थोड़ा सा फ्लैटर करने लगे तो 4 मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने क्रश कर लिया था, अब बारीक चॉप कर सकते हो. उसको मैंने डाल दिया ऑयल में, अब इसको भूनना है जब तक इसका कलर इस तरह का चेंज ना हो जाए, मतलब ब्राउन ना हो जाए. तो चलिए, भून गया है ऑनियन. मैं डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट, मैं 2 बड़े साइज़ का टमाटो को पेस्ट कर ली थी और उसके साथ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार. नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में नमक है. इसको ढक्कन लगा के मैं 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम में. तो 15 मिनट बाद देखिए सारा इसका जो पानी था वो सूख चुका है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है. तो बस इस स्टेज में मैं मसाले कर दूंगी.
हल्दी पाउडर 2 छोटे चम्मच, उसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि आप तीखे वाले भी यूज़ कर सकते हो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में कलर अच्छा आता है। बस उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद ये मसाले अच्छे से मिक्स्ड दे दूँगी, क्योंकि ये सिर्फ हल्दी और मिर्ची पाउडर में ही बनेगा। धनिया जीरा मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस इसमें थोड़ा सा कटे हुए आलू डाल दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन पोटैटो डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, ग्रेवी में थोड़ा सा थिकनेस आती है। तो 30 मिनट्स तक ये मैरिनेट करने के बाद मैं चिकन डाल दिया और इसके साथ ही जो मैरिनेशन था पानी से रिंस करके उसको भी डाल दिया। बस इसको थोड़ा सा एक मिक्स्ड देना है, अच्छे से स्टर दे दीजिए और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में पका लीजिए, जब तक चिकन में वाटर रिलीज़ ना हो जाए। आफ्टर 15 मिनट्स देखिए खुद से ही इसमें पानी निकल के आ गया है, देखिए कितना ज़्यादा वाटर रिलीज़ हो गया। आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके इसमें पानी फिर से ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हम चावल के साथ सर्व करने वाले हैं और ये चिकन करी है, मतलब तरी वाला चिकन है, तो इसलिए तो बस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च और इसको पकाऊंगी। चिकन सॉफ्ट हो जाए बस इसको सर्व कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्व कर चुकी हूँ। 40 मिनट्स तक चिकन पकाने के बाद चिकन सॉफ्ट हो गया था, पोटैटो सॉफ्ट हो गया था, तो ये हम लोगों का पंजाबी स्टाइल तरी वाला चिकन रेडी हो गया, चावल में बना ली थी, तो ये गर्मा गर्म डिनर में सर्व कर चुकी हूँ। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये। गाइस अभी रात का 12 बज रहा है, एक्चुअली मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, तो मैं नीचे इसलिए आ रही हूँ, मैं केक लेने आ रही हूँ, शेखर जी को उठाऊंगी और हम लोग केक कट करेंगे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं केक ले लूँ यहाँ से। केक ये देखिए अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये केक आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग अभी केक कटिंग करने का सेरेमनी करेंगे। दादा आप नहीं बोले हैप्पी बर्थडे, तो हम चारों इकट्ठे हो गए बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। और ये जो केक है ना दादा से ऑर्डर करवाए थे, दादा ऑर्डर किया था और लेकिन चॉइस मेरी थी और केक बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। बस हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने में लगे हुए थे सब के सब रात को 12 बजे। खाने का बारी है मेरी। थैंक यू।
तो गाइस मैं आज ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, और ब्लॉग थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जस्ट ऑन इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।